सभी शिक्षक होकर इस संसार में आते हैं, पर ईश्वर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी अन्य साधु संतों से भिन्न दिखाई दिए, वे सदा आडंबर रहित रहे। अन्य साधु संत बच्चों को अनाधिकारी मानकर उन्हें अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, पर बाबा इन्हें अपना अमृतमय प्रसाद खिलाकर तृप्त करते रहे। उनका दरबार बच्चों के लिए सदा उसी प्रकार खुला रहता जैसे अन्य स्त्री पुरुषों के लिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भारतीय साधु समाज केवल पारलौकिक विषयों में रुचि रखता है और उसी का उपदेश करता है। बाबा सभी लौकिक और पारलौकिक विषयों के विशेषज्ञ थे। वे सभी प्रकार की वार्ता करते, यहाँ तक कि बच्चों के पालन पोषण की विधि और रोगों का उपचार भी बताते थे। और भी साधु और संतों के दर्शन करने के लिए लोगों को उनके स्थान पर जाना पड़ता है। बात उचित है, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, पर बाबा जी स्वयं लोगों के घरों में जाकर उन्हें तृप्त करते रहे। दिन रात विचरण करते हुए भी बाबा थकते नहीं थे। जब कभी वे आंखें बंद कर लेटे दिखाई देते तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि वे सो ही रहे हैं। वे शरीर से अन्यंत्र हो कहाँ क्या कर रहे हैं यह कोई नहीं जान पाता था। बाबा का व्यवहार व्यक्ति के अनुकूल होते हुए भी भेदभावपूर्ण नहीं था। संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित वर्ग में इनकी मान्यता बहुत थी और साधन संपन्न होने के कारण वे इन्हें अपने घरों में ले जाते थे, पर निर्धन दीन दुखी लोगों से उनका सहज लगाव था। इनके घरों में बाबा स्वतः जाते और मांग कर भोजन करते थे। कुछ ना समझो कि ऐसी धारणा रही कि बाबा बड़े लोगों के हैं, ऐसा दोष कोई भगवान पर भी लगा सकता है। वे सदा असहाय और दीन की मन से कद्र करते रहे। बाबा का उद्देश्य संपन्न व्यक्तियों में अपनी मान्यता से उनका अभिमान गिराकर उदारता का भाव जागृत करना रहा, जिससे असहायों को लाभ पहुँचे और संपूर्ण समाज का कल्याण हो, लोगों की संकीर्ण मनोवृत्तियों में सुधार लाने के लिए व्यवहार की शुद्धता को महत्व देते थे। हास्य और विनोद बाबा को अत्यधिक प्रिय रहे। उनका मुखमंडल दर्शकों की चित्रवृत्तियों को निरंतर अपनी ओर आकृष्ट किए रहता। वे मुस्कराते और दर्शकगण हंसते रहते। हंसने हंसाने के अलावा वे रोने और रुलाने की कला में भी अद्वितीय थे। रामायण की कतिपय चौपाइयाँ और मार्मिक साधारण वार्ता भी उन्हें भाव विभोर कर देती और उनका अविरल अश्रुपात होने लगता।
रोता हुआ कोई व्यक्ति उनके पास आता तो उनकी आँखों से आंसू बह निकलते थे। ऐसी संवेदना गृहस्थ और साधुओं में भी नहीं देखी जाती। बाबा का हृदय सदा दया से भरपूर रहता। उनके फोटो चित्रों के आगे रोने पर उनके चित्रों से आंसू गिरते देखे गए हैं। भावुक व्यक्ति, विशेषता महिलाएं, उनके स्पर्श मात्र से विभोर हो जाती और शिशक शिशक कर रोने लगती। इस प्रकार का रोना भी आत्मोन्नति का सर्वोच्च साधन है। सभी शिक्षक होकर इस संसार में आते हैं, पर ईश्वर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।